प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। अब क्या प्रॉब्लम है, जो रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में काम आती हैं, टीवी टेलीकास्ट है, रेडियो टेलीकास्ट है, फ़ोन, तो इसके लिए हमें एंटीना चाहिए। रेडियो वेव जो है वो एंटीना से जनरेट होनी है। एंटीना क्या करता है, ऑसिलेशन जनरेट करता है, और एंटीना क्या करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा होता है और रेडियो वेव जनरेट हो जाती हैं। तो जब रेडियो वेव जनरेट होती हैं तो एंटीना से जनरेट होती हैं, तो एंटीना की हाइट निकालनी है हमें, एंटीना की क्या हाइट है। तो मान लो ये अर्थ है, दिस इज द टॉपिक टू फाइंड द हाइट ऑफ द एंटीना। मान लो ये अर्थ है, ये रेडियस आर 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 सेंटर है, ये सेंटर है, हाइट ऑफ एंटीना कितना है, एच है, ये आर है और ये भी आर है, और जो सिग्नल है ये डी डिस्टेंस है। तो जो सिग्नल है वो डी डिस्टेंस तक आ रहा है, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, क्योंकि सिग्नल सिर्फ यहीं नहीं आ रहा, सिग्नल हर तरफ जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एंटीना सिग्नल सेंड करेगा, है ना, जो एंटीना सिग्नल सेंड कर रहा है वो लास्ट जो रिसीव होगा अर्थ में वो यहाँ रिसीव होगा, क्योंकि इसके बाद लोग नहीं रहते, अर्थ गोल हो जाती है और यहाँ तक सिग्नल पहुँच नहीं पाएगा, तो ये आखिरी पॉइंट है जहाँ पर सिग्नल रिसीव होगा। तो मान लो ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, बस ये डी, तो यानी कि हम इतनी पावर से सिग्नल जनरेट करेंगे कि वो डी रेडियस में घूम जाए, डी रेडियस में, ये डी रेडियस है डी। अब सिग्नल सिर्फ नीचे नहीं जाते होते, सिग्नल हर तरफ जाते हैं, वो अलग बात है कि लोग ऊपर रहते नहीं हैं, लोग नीचे रहते हैं, तो ये सिग्नल आगे खराब जाता है आपका, पर सिग्नल जाएगा तो हर तरफ। क्लियर है यहाँ तक? तो लोग सिर्फ यहाँ रहते हैं जो सिग्नल को क्या करेंगे, रिसीव। तो सिग्नल का रेडियस क्या होगा, इसमें डी रेडियस होगा। तो अगर आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लें, ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल डिस्टेंस कितना है, एच प्लस आर, ये कितना है आर, ये कितना है डी। तो पाइथागोरस लगाओ, एच प्लस आर का स्क्वायर इज आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये आपने लगा दिया पाइथागोरस, ये रहा। इसे ओपन करो, आर प्लस एच का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर टू आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास ये टर्म बच गई, ये टर्म आ गई। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ा, और एच क्या होता है उसके सामने, बहुत छोटा। तो इन दोनों टर्म में से इस टर्म को निगलेक्ट कर दो, तो आपके पास निगलेक्ट करके ये टर्म बचती है, और अंडर रूट लेने के बाद ये आएगा। तो ये बॉक्स में डालो, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिग्नल डी। तो डी क्या था, सिग्नल का रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? तो सिग्नल का रेडियस क्या है, अंडर रूट ऑफ टू एच आर, वेयर एच इज द हाइट ऑफ एंटीना। क्लियर है यहाँ तक? अब जो सिग्नल है वो गोल सर्कल में जाएगा, सिग्नल जो है सर्कल में जाएगा, तो कितना एरिया कवर करेगा, पाई डी स्क्वायर। डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करके ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द सिग्नल कवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी नाम की चीज़ है, कितने लोग रहते हैं, कितने एरिया में रहते हैं। तो सिग्नल एरिया में गया, कितने एरिया में गया, इतने एरिया में गया। तो इस एरिया को अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन कवर्ड। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कवर्ड की वैल्यू आती है, एंड ये जो फॉर्मूला है, कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द एंटीना एच एंड डी इज द रेडियस ऑफ द सिग्नल। कैसे करना है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, अगर रेडियस गिवन है। अब ये सिग्नल का रेडियस को क्या लिखते हैं, डी, तो ये सिग्नल का क्या है, रेडियस। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया, अभी डी का फॉर्मूला क्या करवाया था, अंडर रूट ऑफ कितना, टू आर एच। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द एंटीना, स्क्वेयरिंग कर दो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर एच, या एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। तो आपको इस क्वेश्चन में डी पता है, आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है, हाइट ऑफ एंटीना कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला यूज करना है? और अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बार डी, आपको डी तो पता ही है, क्या निकालना है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 है, 1000 लोग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, तो कितने लोगों ने सिग्नल को रिसीव किया ये बताओ। तो पहले आप हाइट निकाल लो, फिर एरिया निकाल लो, एरिया सिग्नल का क्या है, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर को पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है।
जैसे ये नहीं करना, ये नहीं, ये करना है। टीवी टावर हैज अ हाइट ऑफ 100 मीटर। अब टीवी टावर की जो हाइट है ये क्या गिवन है, एच गिवन है, तो एच की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है, 100 मीटर। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाई टीवी ब्रॉडकास्ट इफ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन, तो कितने लोगों ने इस टीवी को देखा। अगर आपको एच गिवन है ना, तो आप एटलीस्ट डी तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 आर है, तो ये पता है, ये पता है, तो डी आ गया। डी आ गया तो क्या आ गया, सिग्नल का एरिया आ गया। सिग्नल को एरिया को पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ एंटीना और पॉपुलेशन डेंसिटी के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। हालांकि एनसीईआरटी में आने का चांस कम है, बट फिर भी कंपटीशन में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा हुआ है, हाइट ऑफ एंटीना पे। ठीक है यहाँ तक।